हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस का नया गाना हमको जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका उन्होंने पोस्टर रिलीज़ कर दिया है और उसका नाम होने वाला है गदर। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है गदर किस दिन गिरा दें, तो यहाँ पर जल्दी हो सकता है ये हमको गाना देखने के लिए मिले। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है लोका की तरफ से। तो लोका ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था तुम लोग किसके साथ हो। और इस पोस्ट के नीचे लोका को बहुत ही ज़्यादा हेट भी मिल रहा है, मतलब कि अलग अलग लोगों की साइड हैं अलग अलग लोग। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी क्लिप डाली हुई है, उनकी पुण्य पाप एल्बम का ये सॉन्ग है जिसका नाम होने वाला है जिंदगी मेरी सहनाई। और यहाँ पर आप सुन सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इसी को स्टोरी में भी लगाया हुआ था, जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था माय करंट फेवरेट ऑफ द एल्बम। और ये एल्बम हमको 3 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही 3-4 दिन पहले जो डिवाइन है उन्होंने एक और ट्रैक, मतलब कि ऐसी क्लिप डाली हुई थी जिसका नाम है गोली मार भेजे पे। तो नीचे आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग होने वाला है और आप इस एल्बम के लिए कितने एक्साइटेड हो। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था मेरी मीम पेजेस और यूट्यूब चैनल से दरख्वास्त है, अब से इस चित्र का इस्तेमाल करें, रिक्वेस्ट समझे, धन्यवाद, हैशटैग अपील। अब मुझे नहीं पता रफ्तार ने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज भी डाली हुई हैं। जो गाना का इंस्टाग्राम पेज है जो कि वेरीफाइड था वो यहाँ पर हैक हो गया और उसी से रफ्तार को कॉपीराइट क्लेम भी मिला हुआ है। और आप देख सकते हो रफ्तार ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है सब ध्यान दें, गाना का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है, हैकर्स आर सेंडिंग पीपल इंस्टाग्राम कॉपीराइट क्लेम्स, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक्स, डोंट गिव देम एनी कोड। और साथ ही रफ्तार ने ये भी बताया कि गाना का, मतलब कि जो इंस्टाग्राम हैक हुआ था वो यहाँ पर अब वापस भी हो चुका है और यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है द रियल वंस आर बैक। और ऐसा रफ्तार के साथ ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ भी हुआ है, मतलब कि मिलिंद गावा और भी आर्टिस्ट के साथ हुआ होगा, पर अच्छी बात यह है कि अब ये मतलब कि रिकवर भी हो चुका है। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमिवे की तरफ से। तो एमिवे और मीम मशीन का एक गाना रिलीज हुआ है आज जिसका नाम है रिंग रिंग, और इसने 4 घंटे के अंदर अंदर ही 1.2 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे और 3 लाख से ज्यादा लाइक हासिल कर लिए थे। तो ये सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आ रहा है और मुझे भी, मतलब कि पर्सनली काफी अच्छा सॉन्ग लगा, मतलब कि फील करने वाला सॉन्ग है। और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। तो योयो हनी सिंह ने भी फार्मर्स के लिए एक ट्वीट किया हुआ है, आप देख सकते हो। साथ ही गुरु रंधावा ने भी यहाँ पर स्टोरीज डाली हुई है। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है मुक्ता के की तरफ से। तो मुक्ता के ने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा था जिसमें की किसी ने पूछा हुआ था मैम कोई रैपर्स के साथ कोलैब करोगी फ्यूचर में, तो इसका जवाब देते हुए मुक्ता के ने लिखा यस इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन 2 कोलैब्स, इट्स जस्ट दैट नाउ आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड वांट टू बी सेटिस्फाइड विद माय सॉन्ग्स। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रॉप्सी की तरफ से। तो रॉप्सी और सिकंदर कालोन का जो सॉन्ग है लास्ट मिनट वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, और ये जो सॉन्ग है ये इनोबरा एंटरटेनमेंट, मतलब कि एक लेवल से आया हुआ है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सॉन्ग मुझे काफी पसंद आया, तो आप भी सुन सकते हो जाके। और इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।